फॉर नाइन्थ स्टैंडर्ड सी बी एस ई स्टूडेंट्स मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल्स में देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका मैंने सॉल्यूशन यूट्यूब पे ढूंढा और वो गलत दिखा था। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। इन द पैरलोग्राम ए बी सी डी ऑफ द गिवन फिगर, ये ए बी सी डी पैरलोग्राम है। ठीक है, पी ए क्यू इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ए बी पी एंड ए डी क्यू आर ड्रॉन आउटसाइड द पैरलोग्राम। ए बी पी ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है, एंड ए डी क्यू ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है। टू दैट सी पी क्यू इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो बाहर का ट्राइंगल बना सी पी क्यू दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है। ठीक है, ये प्रूफ देखते हैं हम। ये मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ए बी सी डी पैरलोग्राम है तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल है। अभी ये जो ट्राइंगल बना ए बी पी दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी वजह से इसके सारे साइड्स इक्वल है। ठीक है, एंड क्यू ए डी इज इक्विलेटरल, देयरफॉर दीज टू दीज थ्री साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल्सो ये जो एंगल है ये 60 है, ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है। ये प्रूफ देख के एक बार लिख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूव करना है कि सी पी क्यू इज इक्विलेटरल। ओके, तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, बी ए डी को एक्स लिया, ये जो बी ए डी एंगल है, बी ए डी एंगल को एक्स लिया, तो ये एंगल बना अपना सपोज वाई, तो एक्स प्लस वाई हो गया 180, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो एक्स जो है वो बन गया मेरा 180 माइनस वाई। ओके, फाइन। अभी एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए डी सी और ए बी सी इक्वल है, क्यों, ये भी वाई बना, क्यों, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर इक्वल। ठीक है, वैसे ही बी ए डी और बी सी डी 180 माइनस वाई है, बी ए डी एंड बी सी डी, अभी इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन जस्ट हमने लिख दिया। ठीक है, अभी जो पी बी सी है वो दिख रहा है, वाई ग्रीन में है और 60 रेड में है, तो पी बी सी 60 प्लस वाई। सिमिलरली ट्राइंगल क्यू ए डी में इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से ऑल एंगल्स आर 60, तो एंगल क्यू डी सी इज ऑल्सो 60 प्लस क्यू डी सी 60 प्लस वाई, क्यू डी सी बना 60 प्लस वाई, पी बी सी बना 60 प्लस वाई। फिर हमने लिए ट्राइंगल पी बी सी एंड क्यू डी सी, देखो ट्राइंगल फिगर नहीं छोड़ रहा हूं मैं, पी बी सी एंड ट्राइंगल क्यू डी सी, तो इसमें पी बी इज इक्वल टू क्यू डी, पी बी इज इक्वल टू सॉरी पी बी इज इक्वल टू सी डी, पी बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू डी, ये जो बी सी है ये क्यू डी को इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज ट्राइंगल ए क्यू डी जो इक्विलेटरल बना वो ए डी साइड पे बना, एंड ए डी इज सेम एज बी सी। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी पी जो इक्विलेटरल बना वो ए बी साइड पे बना, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ये दो ट्राइंगल में मुझे क्या मिला, मुझे मिला पी बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी क्यू, और इनके बीच के एंगल्स भी इक्वल है, एंगल पी बी सी 60 प्लस वाई एंड क्यू डी सी 60 प्लस वाई, इसके लिए ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से, एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, साइड एंगल साइड, जिसकी वजह से पी सी और सी क्यू इक्वल हो गए, पी सी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, अभी हम लोग ए पॉइंट पे देखते हैं, एट पॉइंट ए, ए पे क्या हो रहा है, ये जो एंगल है अगर इसको जेड लिया
तो z प्लस 60 प्लस 60 प्लस x कितना है 180 माइनस y, ये बनेगा 360। अब ये 360 में 120 प्लस 180 300 चला गया, तो 360 माइनस 360 प्लस y, तो ये जो z बना मेरा z, ये जो z था एंगल, कौन सा एंगल था वो एंगल PAQ, ये भी बना 60 प्लस y। फिर मैंने लिए दो ट्रायंगल, ऊपर का ट्रायंगल PAQ और नीचे का PBC, ठीक है, ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBC, तो मुझे मिला PA इज इक्वल टू PB, क्यों, क्योंकि दे आर साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद BC इज इक्वल टू AQ, BC इज AQ, क्यों, बिकॉज BC इज सेम एज AD और QAD जो बना वो AD पे बना इक्विलैटरल, और ये जो एंगल है Z ये कितना मिला अपने को 60 प्लस y है, और यहां पे ये वाला एंगल भी 60 प्लस y है, तो इसलिए ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड, ओके। तो ट्रायंगल PBC एंड PAQ, ट्रायंगल PBC एंड PAQ, ये जो दो ट्रायंगल लिए मैंने ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके। तो उसकी वजह से PQ इज इक्वल टू PC मिला मेरे को, PQ इक्वल टू PC मिला, PQ इज इक्वल टू PC, लेकिन PC तो CQ है, पहले दो ट्रायंगल से क्या मिला PC इक्वल टू CQ, बाद में क्या मिला PC इक्वल टू PQ, मतलब देयरफॉर PC इक्वल टू CQ इक्वल टू PQ, तो ये क्या बना इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, कौन सा ट्रायंगल CPQ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, फाइन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ओके, यूनिक क्वेश्चन है ये। उसके बाद एक क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम का, मिड पॉइंट थ्योरम को क्वेश्चन को समझने के लिए जो हम स्कूल में बो लगाते हैं वो बो याद रखना है अपने, बस ये बो अगर समझ गया तो मिड पॉइंट थ्योरम एक बार पढ़ के ही समझ जाएगा। देखो बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, मतलब ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, तो प्रूव क्या करना है, ई एफ जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी, ओके। तो अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, एंड इफ एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी देन ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ओके। तो इस केस में हमने लिए दो ट्राइंगल एफ ए ई एंड एफ सी डी, ये वाला एक ट्राइंगल लिया एफ ए ई और ये वाला दूसरा ट्राइंगल लिया एफ सी डी, इसलिए मैंने कहा बो, बो वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन उसके पहले कंस्ट्रक्शन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन। वॉट इज द कंस्ट्रक्शन, थ्रू सी ड्रॉ सी पी पैरेलल टू बी ए, ठीक है, पहले तो सी पी को ड्रॉ किया, सी पी ड्रॉ किया हमने पैरेलल टू बी ए, एंड ई एफ जो है उसको एक्सटेंड करके सी पी को डी पे कट करवाया, एक्सटेंड ई एफ टू मीट सी पी एट डी, ओके। तो ये जो दो ट्राइंगल लिए हमने ए ई एफ एंड सी डी एफ या फिर एफ ए ई एंड एफ सी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी नाम दो, तो इसमें ये साइड इस साइड को इक्वल है, क्यों, बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट, फाइन। ये एंगल जो है वो इस एंगल को इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये एंगल बी ए सी एंड डी सी ए ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो इसलिए ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है, कौन सा ई ए एफ एंड डी सी एफ, ई ए एफ एंड डी सी एफ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर बी ए पैरेलल टू सी पी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो इसलिए ये जो दो ट्रायंगल हमने लिए ट्रायंगल से एफ ए ई एंड ट्रायंगल एफ सी डी, दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल रूल,
अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब सीपीसीटी से ये साइड इसको इक्वल हो गया, और ये जो साइड है ठीक है दैट विल बी इक्वल टू दिस साइड, AE विल बी इक्वल टू CD एंड EF इक्वल टू DF, ओके सीपीसीटी से ये प्रूव हो गया। अभी BA जो है ओके BA इज इक्वल टू BE प्लस EA, देयरफॉर BE इज इक्वल टू EA क्यूब बिकॉज E इज मिड पॉइंट, फाइन ओके तो BE इक्वल हो गया। लेकिन EA जो है वो हमने अभी क्या प्रूव किया, EA इज इक्वल टू CD प्रूव किया हमने, तो इसका मतलब BE इज इक्वल टू CD प्रूव हुआ। ये तो हमने CPCT से प्रूव किया, ये तो मिड पॉइंट है इसलिए इक्वल है, तो इसका मतलब क्या BE इज इक्वल टू CD। लेकिन BE इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, व्हाई कंस्ट्रक्शन में BA इज पैरेलल टू CP, तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCDE, क्वाड्रिलेटरल BCDE में अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल, BE इज इक्वल टू CD एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसलिए ये बन गया पैरेललोग्राम। ओके अगर ये पैरेललोग्राम बना तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर ये पैरेललोग्राम बना तो इसका मतलब है ED इज पैरेलल टू BC, ठीक है तो ये तो ED अगर पैरेलल टू BC है तो EF इज पैरेलल टू BC, तो एक पार्ट मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूव हो गया। दूसरा EF प्लस FD इज ED, ठीक है फाइन, बट ED इज इक्वल टू BC, व्हाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो EF प्लस FD इज BC, लेकिन EF और FD दोनों इक्वल है बिकॉज F इज मिड पॉइंट। CPCT से हमने प्रूव किया था, अभी क्या प्रूव किया था, EF इज इक्वल टू DF, तो EF प्लस EF इज BC, सो ट्वाइस EF इज BC, सो EF इज हाफ ऑफ BC, ओके तो ये भी प्रूव हो गया कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। और दूसरा क्या प्रूव किया हमने, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो गया। ओके फाइन, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम, ठीक है, थैंक्स अ लॉट।